नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। अपने आप को सुपर डुपर अट्रैक्टिव कैसे बनाए। अट्रैक्टिव लोगों की क्या खास बात होती है कि वो इतने अट्रैक्टिव लगते हैं, शक्ल से नहीं, शरीर से भी नहीं, लेकिन वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या चीज होती है, आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अपने आप को सुपर डुपर से भी ऊपर अट्रैक्टिव कैसे बनाए। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, जो भी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है ना, वो अपने साथ सच बोलती है। अपने साथ जो बंदा सच बोलता है, यानी कि जो सच होता है, ऑब्वियसली अगर हम अपने साथ सच बोलते हैं तो हम सच हैं, और अगर हम सच हैं तो फिर हम दूसरों से भी वही पाने वाले हैं, क्योंकि हम जो होते हैं वही हम पाते हैं। इस टॉपिक पे मैं बहुत बार पहले भी बात कर चुकी हूं, है ना। तो जो हम हैं वही हम पाते हैं, तो इसलिए खुद से सच बोलना बहुत जरूरी है। हर तरीके का सच आपको खुद से बोलना चाहिए। मान लीजिए कि आप बाहर कहीं गए हैं, आपको जलन हो गई, किसी चीज से थोड़ी सी जेलसी हो गई, मन को तो पता है कि जेलसी हो गई। अपने आप को बोल करके एक बार बता करके देखिए, यार मुझे ना जलन हो गई और अब इसे मुझे सुधारना है। क्यों हो गई जलन, मैं तो मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हूं, और अगर मैं इतनी अच्छी और इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हूं, ये आपको अपने लिए बोलना है। हाँ, और अगर मैं इतनी अच्छी और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हूं तो मुझे किसी से क्यों जलन होगी। इस तरह से आप अपने अंदर की बुराइयों को बाहर निकाल सकते हैं, और जब आपके अंदर की बुराइयां बाहर निकल जाएंगी, आप अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के रोड पर दौड़ लगाना शुरू कर चुके हैं, सच्ची में। ठीक है, तो अपने आप से सच बोले, वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, लेकिन अपने आप से सच बोले, और वो सच में जब आपको लगे कि ये मेरे अंदर बुराई है, उसको अपने आप को बदलने की, अपने आप को सही रास्ते पर लगाने की कोशिश करें। इससे आप एक बेहतरीन इंसान भी बन सकेंगे। दूसरी चीज, नकली होना बंद कर दें। दूसरों के सामने जब हम नकली होते हैं ना, ट्रस्ट में हमको ऐसा जरूर लग रहा होता है कि हम इनके सामने नकली बन के इनको पागल बना के आ गए हैं, लेकिन उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि जो हमारी वाइब्स होती है ना, वो हमारी जुबान से ज्यादा, हमारी शक्ल से ज्यादा बोल रही होती हैं। इसीलिए जब कोई अनजान इंसान भी हमारे सामने से निकल जाता है, या तो हमें अच्छा लगता है उसके सामने से निकल करके, या फिर हमें थोड़ा सा अटपटा लगता है, या फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये कैसे होता है, ये उसकी शक्ल से नहीं हुआ है, या फिर उसकी मुस्कुराहट से नहीं हुआ है, ये उसकी वाइब्रेशन से हुआ है। तो अगर आप नकली बनना बंद कर देंगे दूसरे लोगों के सामने, क्योंकि हम बहुत बार नकली बन जाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि असली बनके हम किसी की बेइज्जती करें, किसी को धोखा दे दें, किसी के साथ कुछ गड़बड़ कर दें, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि आप जैसे हैं जो हैं, पहले अंदर अपने अंदर उसको बनाएं, उसको डेवलप करें, पहले वो हो जाएं, उसके बाद में अपना सच लोगों के सामने रखना शुरू करें। आप देखेंगे कि इस चीज को करने में आप दूसरे लोगों की खुशियों में खुश होना शुरू कर देंगे। ट्रस्ट मी, ये आपके होने से होगा। शुरू में ही अगर आप ऐसा कर देते हैं कि आप दूसरों के सामने नकली नहीं होना चाहते हैं, और आपके मन में जो भी आया, यानी कि आप नकली नहीं हो रहे हैं, आपको गुस्सा आया और आपने गुस्से में कुछ भी अपशब्द बोल दिए, क्योंकि आपने एकदम ताबड़तोड़ तरीके से किया, तुरंत ही करने वाले चक्कर में किया ना, इसके पहले खुद पर काम करेंगे और ये देखेंगे कि मुझे इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से काम करना है, ताकि जब मैं अपनी असलियत दुनिया के सामने पेश करूं तो वो अगली ना हो, बुरी ना लगे, वो एक मुस्कुराहट लेकर के आ जाए, चाहे मेरे सामने फिर कोई भी क्यों ना हो। ये आपके असली होने से होगा, ये आपके पहले स्टेप से होगा, जहां पर आप अपने ऊपर थोड़ा सुधार कार्य करते हैं। दूसरा स्टेप ये था, दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि आप दूसरे लोगों के सामने नकली होना बंद कर दें, अपनी वो जो आप असलियत बना रहे हैं उसको लेकर के आए, दूसरे लोगों की खुशियों में खुश होना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है वो बेहतरीन तरीके से बदलना भी शुरू हो जाएगा, और आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के रूप में नजर भी आने लग जाएंगे। तीसरी चीज, दोनों चीजों से ही जुड़ी हुई है, वो है ग्रेटफुल होना शुरू करें। सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपनी चीजों के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप को मिलने वाले लोगों के लिए नहीं, सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए भी। अगर आपके सामने किसी को कुछ मिला है,
तो आप उनके लिए भी ग्रेटफुल हो जाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सामने ईश्वर का एक इशारा लेकर के आए हैं। और जब हम किसी और की चीज के ऊपर, उसकी खुशी के ऊपर हम खुद से ही ग्रेटफुल हो जाते हैं ना, तो ये आपकी पर्सनालिटी को एक पावरफुल डोज के रूप में दे देता है। और वो जो डोज निकल करके आता है ना, ये आपकी पर्सनैलिटी में इतने ब्यूटिफुल तरीके से झलकता है, जहां पर लगता है कि वाव क्या पर्सनैलिटी है, अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। तो ये हैं 3 सुपर डुपर क्यूट क्यूट अच्छे वाले टिप्स, जो हमारी डेवलपमेंट में भी हमारे काम आते हैं, हमारी ग्रोथ में भी हमारे काम आते हैं, हमारे जीवन को बेहतरीन बनाने में भी हमारे काम आते हैं, और हमारी पर्सनैलिटी में तो 4 चांद लगा ही रहे होते हैं। तो अगर आप ये वाले टिप्स अपनाते हैं, ट्रस्ट मी, आप ओवर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में ओवर गलत नहीं है, ओवर गलत नहीं है और ओवर गलत नहीं है। आपको ओवर सुपर डुपर क्यूट एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनने का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है और आप बन सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, इसके ऊपर आप काम करें और कुछ ही दिन में आपकी लोग तारीफें करने लग जाएंगे। करके देखने में क्या जाता है, फ्री है यार, ट्राई करके देखें। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, तक अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।